हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है और मैं ड्रंकन बारटेंडर से आज आपके लिए टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है बार। बार क्या होता है, बार की हिस्ट्री, बार के अंदर लीगल रिस्ट्रिक्शंस और बार के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या चीजें सर्व की जाती हैं, इन सभी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। चलिए हम बात करते हैं बार क्या होता है। बार की ऐसी कोई फुल फॉर्म नहीं होती है, बार एक काउंटर टॉप होता है जिसके पीछे बारटेंडर और बीवरेज सर्वर बार अटेंडेंट आपको अल्कोहलिक और नॉन अल्कोहलिक बीवरेजेस ड्रिंक्स सर्व करता है। तो जो बीवरेजेस आपको सर्व की जाती है बारटेंडर के थ्रू वो लीगली फुल सर्टिफाइड होना चाहिए, उसे बार कहा जाता है। तो चलिए हम बात करते हैं हिस्ट्री की। हिस्ट्री में आपको बता दूं, हिस्ट्री इसकी कुछ इतनी ज्यादा पुरानी नहीं है, लेकिन हाँ लोगों की नजर में बार और बारटेंडर्स 1901, 5, 2, 10 के बीच में ये आया। कि मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, कुछ कुछ कंट्रीज में क्या होता था कि लेडीज को बार के अंदर आना अलाउड नहीं है। जैसे पब्लिक बार हो गया, वहां पे लेडीज को आना अलाउड नहीं है, अगर वो आएंगे तो उनको ड्रिंक्स सर्व नहीं हो सकती है, ये फैक्ट है। और उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊं कि कितनी बार ऐसे होते हैं या होते थे जहां बॉयज 18 से नीचे या बच्चों को आना अलाउड नहीं था और उनको अल्कोहल सर्व करना तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं था। और इवन दो के मैं आपको ये भी बताऊं कि कई सारी ऐसी इस्लामिक कंट्रीज हैं जहां अल्कोहल बिल्कुल भी सेल और सर्व नहीं की जाती है, जैसे अबू धाबी, मस्कट, ओमान, इन जगहों कहीं सारी कंट्रीज में अल्कोहल सर्व नहीं की जाती है एक्सेप्ट होटल्स में लिमिटेड नॉन मुस्लिम लोगों के लिए अल्कोहल सर्व की जाती है। अब मैं आपको बताऊं हिस्ट्री के बारे में, मैं आपको बता रहा था कि पहले क्या होता था, पहले बार को कुछ और ही नामों के से जाना जाता था। टेवन हो गया, सलून हो गया, पब, ऐसे नामों से जाना जाता था। मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ कि हेयर ड्रेसिंग, हेयर कटिंग, ऐसी जगह को सलून को रेफर किया जाता है। बट 1905-10-20 में ऐसे सलून बार की तरफ रेफर किए जाते थे। और साथ ही साथ ये बार का जो ट्रेंड है आगे चलते 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 नाम, एंटरटेनमेंट, इन सभी चीज़ों की तरफ जाना। मैं आपको बता दूं कि यूएस में 1920 से 1933-34 तक एक प्रोहिबिशन एरा चला था जहां बिल्कुल भी अल्कोहल सर्व करना अलाउड नहीं था पूरी कंट्री में। तो सभी जितने बिजनेसमैन बिजनेस चला रहे थे वो सभी बहुत बुरी तरह से गिर चुके थे, नुकसान में जा चुके थे। तो जैसे 1934-35 में धीरे धीरे करके इनकी अडेप्टेबिलिटी बढ़ी, इनके नज़र में आने लगे बीवरेज बार सर्व जैसे अब करने लगे, तो लोगों ने अपनी कुछ कुछ चीज़ों की टेक्निक्स चलाना शुरू किया। उन्होंने एंटरटेनमेंट डाला अपने बिजनेस के अंदर, जैसे कि लाइव म्यूजिक, लाइव बैंड उन्होंने चलाए। उसी के साथ साथ लोगों ने क्लब ओपन करे, डिस्कोथिक नाइट क्लब्स उन्होंने धीरे धीरे करके ओपन किए जहां और बार भी वहां पे था। ये उनका अपनी बिजनेस टेक्निक्स थी। 1950-60 में चलते चलते स्पोर्ट्स बार भी इवन के इंट्रोड्यूस किए गए। आप कह सकते हैं कि ये बिजनेस टेक्निक्स थी जो उन्होंने अपने बिजनेस में अपने बार के अंदर रखी और इससे उनको बहुत बड़ा बूस्ट मिला। और इससे चलते 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 आप कई सारी मूवीज में कहीं जगह इन चीज़ों को देख सकते हैं। तो ऐसे ही कहीं अलग अलग कंट्रीज थी, जैसे यूके में पब का नाम आज भी चलता है, पब में कई तरह के लोग आते हैं। हाँ, पहले ऐसा होता था पब में कि किसी बच्चे का या लेडीज का आना अलाउड नहीं है, लेकिन हाँ चलते चलते ऐसा जरूर हुआ कि सभी को आना अलाउड किया गया। लेकिन हाँ, जैसे मैंने आपको बताया कि एक लीगल रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए, तो अगर वो 18 या जैसे उनकी कंट्री का अपना रूल है 18, 20 या 21 या 25, उससे नीचे अल्कोहल सर्व करना उनको अलाउड बिल्कुल नहीं है, तो सेम ये रूल उनके वहां रखा गया। सभी आ जा सकते थे लेकिन सर्व उन्हीं को किया जाएगा जो बिल्कुल लीगली उन एज के अंडर होंगे। जैसे कुछ एक कंट्रीज, बहुत बड़ी कंट्री ऐसे भी थी जिन्होंने लेडीज का आना बैन कर दिया था अपने बार के अंदर, तो इससे उनको बहुत प्रॉब्लम हुई, इससे बार वालों को बहुत प्रॉब्लम हुई, क्योंकि इससे रेसिज्म का दौर चला, इससे रेसिज्म जैसे बढ़ा, तो उन्होंने धीरे धीरे करके इस रूल को भी गायब कर दिया अपने बार से। तो उसके बाद सभी आ सकते थे, जा सकते थे। तो हम बात करते हैं आगे चलते हुए बार की प्रमोशंस की।
तो बार में क्या होता था पहले भी, आज भी और आगे भी होता रहेगा, जैसे जैसे ट्रेंड चेंज होगा वैसे वैसे पब्लिकली पब्लिसिटी प्रमोशंस इन सभी चीजों का ट्रेंड भी चेंज होता रहेगा। पहले क्या हुआ कि लोगों ने अपने कस्टमर्स बूस्ट करने के लिए या तो डिस्काउंट चलाते थे या कुछ फूड के साथ उनको ऑफर्स देते थे, ड्रिंक्स की, बीवरेजेस की, अल्कोहल की, ताकि कस्टमर उनकी सेल में बूस्ट लाए। हैप्पी आवर्स जो उनका कम चलने वाला समय होता था जो बार के अंदर, जैसे कि अगर सुबह 11 बजे बार ओपन हुआ है, रात के 12 बजे उसे बंद होना है, तो इनके बीच में कई सारे ऐसा टाइम होता है जिसमें सेल बहुत कम होती है, तो उनको बूस्ट करने के लिए ओनर्स ने या उनके पीआर टीम ने उनके वहाँ हैप्पी आवर्स की सर्विस ऑन कर दी। हैप्पी आवर्स में आपको बता दूं कि कितनी बार ऐसी ऑफर्स होती हैं, बाय वन गेट वन इन दिस टाइम पीरियड, जैसे दिन के 3 बजे से शाम के 7 बजे तक आपको हैप्पी आवर्स है, 4 ड्रिंक्स लीजिए उनके साथ 5वीं फ्री होगी, या बाय वन गेट वन होता है। या सबसे अच्छी बात होती है कि जो सबसे कम सेल होने वाली अल्कोहल होती है, या जैसे कोई भी उनके पास रम, जिन या वोडका या कई सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो सबसे कम सेल होती है, लेकिन हाँ वो उनको भी सेल करना चाहते हैं, तो वो उनके साथ मिक्सचर या उनके सेल में लगाते थे जिससे उनको श्योरली बूस्ट मिलता था। डिस्काउंट्स होते थे, प्रमोशनल एक्टिविटीज़ होती थी, प्रमोशनल कार्ड्स होते थे कि अगर वो अगली बार नेक्स्ट टाइम आए तो वो उसे ये दिखा के 20% 25% यहाँ अपना रिडीम करा सकते हैं। तो ऐसी सर्विसेज चलती गई। तो आइए अब हम चलते हैं हैंगओवर की तरफ। हैंगओवर क्या होता है? अगर गेस्ट ज़्यादा इंटॉक्सिकेट हो गया है या उनको बूस्ट हो चुकी है वो अल्कोहल कुछ ज़्यादा, तो ये मैं उम्मीद करता हूँ आपसे आपको उनका हैंगओवर क्योर ज़रूर पता हो। बारटेंडर्स को इन चीज़ों का ध्यान बहुत ज़रूरी होना चाहिए। बार के पीछे जो अल्कोहल वो सर्व कर रहे हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और अब इसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स की कि बार किन किन तरह के होते हैं, किन किन टाइप्स के होते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं नाइट क्लब, डिस्कोथिक, पार्टी बार, पार्टी लाउंज, पार्टी एरेना, ऐसी कई सारी टाइप्स जहाँ बार के अंदर अल्कोहल सर्व की जाती है। ये एक तरह है जहाँ लोग अपना एंजॉय करने आते हैं। यहाँ स्टैग पार्टीज या स्टैग कपल, ऐसे कई तरह के लोग आते हैं जहाँ पार्टी एंजॉय करते हैं और वो आपकी बार की अल्कोहल सेल भी इंक्रीज होती है। तो उसके बाद हम बात करते हैं बियर बार। बियर बार वो होता है जहाँ सिर्फ बियर सर्व की जाती है। उसके बाद वाइन बार, जहाँ सिर्फ वाइन सर्व की जाती है और वाइन की पूरी तरह से नॉलेज उस बारटेंडर को होनी चाहिए। और मैं आपको स्पेशली ये चीज़ के बारे में भी बता दूं कि जो वाइन सर्व करता है उसे सोमेलियर कहा जाता है। वाइन की पूरी तरह से डीप नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी होती है। तो उसके बाद हम बात करते हैं फोन बार। फोन बार क्या होता है? थोड़ा डेकोरेटेड बार जहां बारटेंडर भी थोड़ा सा सजा होता है, फुल डेकोरेशन होती है। उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा एक बहुत अच्छे नाम की टिकी बार। टिकी बार आप रिलेट कर सकते हैं फोन से, लेकिन हाँ मैं आपको बता दूं कि टिकी बार पूरे तरह से एलिगेंटली बहुत ही लग्जूरियस बार सजा होता है। बार की पूरी थीम चेंज की होती है। उसके बाद कसीनो बार, कसीनो जहाँ कार्ड्स, कई सारी पोकर गेम्स ऐसी खेली जाती है, एक कसीनो बार हो जाता है। कसीनो बार के बाद मैं आपसे बात करूंगा करियोके बार। करियोके बार क्या होता है? करियोके बार वो होता है जहाँ पे आप म्यूजिक स्क्रीन में चल रहा होता है, लोग माइक से सिंकिंग करके अपनी वॉइस उस म्यूजिक में देते हैं, उस सॉन्ग को देते हैं, वो एंजॉय करते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि कितने ऐसे भी बार होते हैं जहाँ पे उन्होंने लाइव बैंड या गजल्स ऐसी कई सारी चीज़ें रखी होती हैं, तो लाइव बैंड भी एक बार का हिस्सा है। तो ये कुछ टाइप्स थी, ऐसी कई सारी टाइप्स हैं, तो इवन के उनमें से एक टाइप स्पॉट्स बार भी है। स्पॉट्स बार क्या होता है? वहाँ पे कई सारी तरह की स्पॉर्ट्स एक्टिविटीज होती हैं, वो स्पॉट्स बार होता है। बॉलिंग, गेमिंग, वीडियो गेम्स, इवन के स्पॉर्ट्स, क्रिकेट और कई तरह की एनिमेटेड गेम्स होती हैं, तो वो स्पॉर्ट्स बार होता है। तो ये कुछ टाइप्स ही बार की। तो मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि एक बैनर लगा होता है, स्मोकिंग बैन भी की जाती है बार के अंदर या रेस्टोरेंट के अंदर, और स्मोकिंग अलाउड भी होती है, और स्मोकिंग सेक्शन भी होता है, इवन के सिगार बार भी होता है।
तो ये कुछ लिमिटेड एरियाज, लिमिटेड जगह, लिमिटेड स्टेट्स, लिमिटेड कंट्रीज में होता है। और यार हर कंट्री के अपने रूल्स होते हैं, उन्होंने अपने रूल्स बनाए हैं, उन्होंने अपनी लीगल अल्कोहल बॉटल की भी रिस्ट्रिक्शंस रखी हुई हैं अलग अलग कंट्री की। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको मेरा आज का ये बार का टॉपिक अच्छा लगा होगा और इन्फॉर्मेटिक्स लगा होगा। तो अगर आपको मेरा ये टॉपिक अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं आपका दोस्त अमन ऐसे ही कहीं सारे टॉपिक्स ढूंढ के लेकर आऊँगा। थैंक यू।